प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सीएम ने प्रवासियों से यूपी के विकास में हाथ बांटने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी भारतीय उद्योगपतियों से कहा कि देश के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा। आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रही गाड़ी का इंजन यूपी ही है, इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी आएं उत्तर प्रदेश के साथ देश के विकास में हाथ बढ़ाएं। सीएम योगी ने प्रवासी भारतीयों से यूपी आने का यूं ही आह्वान नहीं किया, इसके लिए उन्होंने सभी को यूपी के विकास की वह तस्वीर दिखाने की कोशिश की जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। योगी ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस अवसर पर आयोजित इस चौथे यूपी प्रवासी दिवस का कार्यक्रम बेहद खास है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काशी में ये आयोजन अति महत्वपूर्ण और भी हो जाता है क्योंकि ये अपनी आध्यात्मिक और पारंपरिक चीजों के लिए विख्यात है। सीएम ने कहा कि भारत का हृदय यूपी है, देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा यूपी में है और ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है, लीलाधारी श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, भगवान विश्वनाथ जी की पवित्र धरती और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ के प्रयागराज में लगने वाला कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है।